अगर फर्ज करो एक आदमी पाकिस्तान में रहता है, सारी जिंदगी कभी उसको रोज़ा अकदस जाने की का मौका नहीं मिला, अपने वसाइल नहीं थे कि जिसकी वजह से वो जिन की बुनियाद पर जा सके, नहीं गया, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक पूरी जिंदगी गुजारी है। पूरी जिंदगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारी, अपने वाजिबात पूरे अदा किए, फराइज पूरे अदा किए, और हर शोबे जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाया, तो वह यकीनन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स से ज्यादा करीब है जो हर साल जाकर ज्यारत करता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल नहीं करता, उससे ज्यादा करीब है। आपने क्या फरमाया, अना वमरातुन सफाउल खद्दैन कहातैन यौमल क़यामा, कि मैं और ऐसी औरत जिसके रुखसार मुरझाए हुए हों फक्र की वजह से, फक्र फाके की वजह से जिसके रुखसार मुरझाए हुए हों, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होंगी जैसे ये दो उंगलियां। और ये फरमाया अना वकाफिरुल यतीमी कहातैन यौमल क़यामा, मैं और किसी यतीम की कफालत करने वाला वो मेरे से इतना करीब होगा जितना कि ये दो उंगलियां आपस में एक दूसरे से करीब है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का दारोमदार दर हकीकत आपकी सुन्नतों के इत्तबा में है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौफीक अता फरमाए हमें।